कपिल भाई हमारे साथ कोलंबो से जुड़ रहे हैं। कपिल भाई, टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये जो मैच है, जो कॉम्बिनेशन जो आज टीम इंडिया ने खेला है, अक्षर पटेल, लोग कहते थे कि अक्षर पटेल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है रविंद्र जडेजा का, लेकिन आज दोनों ही दिखाई देने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की टीम खिलाई है टीम इंडिया ने? बिल्कुल, देखिए जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि जो जो वर्ल्ड कप की टीम में है उनको मौके आपको दिए जाने जरूरी हैं, और ये क्योंकि ऐसा मौका बना है कि आप मौके दे सकते हैं तो इसलिए उनको खिलाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय ओपनर्स का फुटवर्क भी आज थोड़ा ज़्यादा टेस्ट होगा, क्योंकि तीक्ष्णा की जो तीखी स्पिन है वो शुरुआत में पावर प्ले में आएगी कि नहीं आएगी, दूसरा ओवर भी दे देते हैं कप्तान उनको कई बार, आप देखिए, तो भारत के खिलाफ करेंगे कि नहीं करेंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन दोनों टीम के फैंस हमारे साथ हैं, ये आप परिचय की जरूरत नहीं, हर जगह दिखाई देते हैं। सुधीर, क्या कहेंगे, कैसे शंखनाद होगा ये? शंखनाद आज श्रीलंका के अगेंस्ट जीत के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दो दिनों मैच खेलने पड़े, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान ने नेपाल का भी स्कोर क्रॉस नहीं कर पाए, और हम पूरी उम्मीद करते हैं टीम इंडिया जो आगामी वर्ल्ड कप है उसकी प्रैक्टिस ये एशिया कप से करेंगे, जैसे 2018 में निदास ट्रॉफी के रूप में जीते हैं, ये भी मैच जीतेंगे और सीरीज जीतेंगे। ये टीम इंडिया के लिए शंखनाद, ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। भारत माता की जय। श्रीलंकन फैन भी हमारे साथ हैं, आप बताइए, इंडियन टीम हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, योर टीम विल बी बॉलिंग, सो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? नो, आई थिंक इट्स श्रीलंका बॉलिंग लास्ट 22-13 मैच श्रीलंकन बॉल आउट अदर टीम, आई थिंक इंडिया ऑल्सो नॉट लास्ट टाइम बॉल आउट इन अगेन श्रीलंकन वन ऑफ मैच इन 2018 इन इंडिया, आई थिंक श्रीलंका बॉलिंग नाउ 2-3 प्लेयर्स नॉट वेल। उम्मीद जता रहे हैं कि 14 मैच श्रीलंका लगातार जीतेगी, लेकिन अब तो कल पाकिस्तान को हरा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत हैप्पी है, 228 रन से हरा है, बड़े मार्जिन से हरा है, जो दुबई में हारे थे 10 विकेट से उसका बदला पूरा कल जाके पूरा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा मजा है, कल जाके चैन की नींद आई, बहुत मजा आया, जो हार्डवर्क था बहुत पे हो गया। दो दिन लगे, दोनों बाद दिन आना पड़ा, दो दिन लगे, फिर आज कंटिन्यू, आज तीसरा मैच है श्रीलंका के साथ, आज भी हम जीत के आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो फैंस की उम्मीद यही है चयन, और जिस तरीके से भारतीय टीम जीती है सही मायने में ऐतिहासिक है, पाकिस्तान इस तरह से डाउन एंड आउट कभी दिखाई नहीं दिया, सेलेक्टर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऑलराउंडर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहाँ थे आगा सलमान, क्या कर रहे थे फहीम, तो बहुत सारे सवाल पाकिस्तान के सामने अचानक से खड़े हो गए, दो इंजरी और हो गई हैं, जमन खान कल पहुंच रहे हैं, शाहनवाज धानी पहुंच रहे हैं, तो क्या करेगी पाकिस्तान की टीम, क्योंकि रऊफ के खेलने के चांस अब है नहीं इस टूर्नामेंट में, और नसीम शाह का भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो अगर दोनों टीमें पाकिस्तान और भारत फाइनल में भिड़ते हैं तो पाकिस्तान के लिए कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल कपिल जी, एक छोटा सा सवाल बस है कि सेम सर्फेस यूज हो रहा है या दूसरा सर्फेस यूज हो रहा है गेम के इस मैच के लिए? सवाल दोहराएंगे, सेम सर्फेस यूज हो रहा है क्या इस गेम में जो कल हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में? देखिए, इस पर अभी थोड़ी देर बाद जानकारी मिल पाएगी जब प्रेस बॉक्स में पहुंचेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर वो विकेट नहीं होगा जिस पर कल मैच हुआ था, अलग विकेट पर ही ऐसा लगता है कि मुकाबला खेला जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई कोलंबो से ये अपडेट देने के लिए।